किसानों को इन दिनों थोक मंडी में कम कीमतों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो वर्षों से प्याज किसानों को अपनी खेती की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाव भी नहीं मिल पा रहा। कम आवक के साथ भी कीमतें दो साल में सबसे कम है। आवक की मात्रा बढ़ी तो किसानों को प्याज 1 से 2 रुपए किलो में बेचने को मजबूर होना पड़ा। इससे उनका परिवहन खर्च भी नहीं निकला और किसानों को अपनी उपज फेंकने के लिए विवश होना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्याज का थोक भाव सितंबर महीने के पहले 7 दिनों तक औसत 643.54 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यह पिछले हफ्ते के भाव से 18% कम है और पिछले साल सितंबर के पहले हफ्ते के भाव से 37% कम है। प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के व्यापक रूप से उगाई जाती है। हालांकि पर्याप्त मांग है, लेकिन मौजूदा स्टॉक की उपलब्धता अगले 20 से 25 दिनों के लिए ही है। प्याज की कीमतें कम है, लेकिन अगर आने वाले 2 हफ्तों में आवक कम रहती है तो कीमतों में भारी बढ़ोतरी होना भी तय है। इसमें उन किसानों को फायदा होगा जो अक्टूबर के मध्य तक फसल को बाजार ले जाने की योजना बना रहे हैं। प्याज किसानों के लिए पिछले 2 साल काफी मुश्किल भरे रहे, क्योंकि आवक सीजन के दौरान बाजार की कीमतें कम होती रहीं। प्याज किसानों ने इसका अनुभव कोविड के वर्ष से किया है। इस साल चलन को तोड़ते हुए प्याज किसानों ने कई नई फसलों का विकल्प भी चुना है और साथ ही जोखिम से बचने के लिए प्याज की फसल का रकबा भी कम किया है। यह स्पष्ट है कि नमी मुंबई में कर्नाटक से आई प्याज की आवक कम हो गई है और उपज 8 से 9 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदी जा रही है। रिटेल उपभोक्ता बाजार से प्याज औसत 25 से 30 रुपए किलो के भाव से खरीद रहे हैं और ये करीब 15 से 18 रुपए का अंतर है, जिस पर व्यापारी इसे भारी मार्जिन के साथ आगे बेच रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में जहां प्याज का रकबा अधिक है, वहां के किसान बेहद कम थोक दरों का सामना कर रहे हैं और यह लगभग 30 दिनों तक जारी रहेगा, जब तक नई आवक मंडियों में नहीं आ जाती और जब तक आवक कम नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।